दे रही हूँ दीदी, खाना चिल्लाओ मत। ये ऐसी चिल्लाती रहेगी जब तक उसे खाना नहीं मिलेगा। म्याऊ। मेरे मम्मी पापा की प्यारी, मेरे मम्मी पापा की पांचवी बेटी, मम्मी पापा की पांचवी बेटी है तू? हाँ तू है। हाय गाइस, वेलकम टू माय हाउस टूर, कम इन। चलिए शुरू करते हैं। आइए मैडम कैमरामैन रितु शर्मा के साथ कल तक परसों तक। आई नो थोड़ा सा अलग है कि ये एकदम क्या है। लोग मुझे बहुत कमेंट कर रहे थे कि मुझे मेरा हाउस टूर देना चाहिए, तो दिस इज माय एक्चुअल हाउस। थोड़ा पीछे जाओ कैमरामैन, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ और पीछे जाओ। एक्चुअली मैंने सोचा था मैं हाउस टूर क्या करूं, फिर मेरे दिमाग में बहुत एंटीक आइडिया आया और वो है ये मेरा घर जो कि अभी कितना खूबसूरत हो रखा है। इससे सुंदर एस्थेटिक हाउस नहीं मिलेगा। ये ऐसा घर है कि तुम्हें एकदम गुफा की याद दिला देगा, इतना खूबसूरत हो रखा है इस टाइम पे। तो ये है वो रूम जहाँ पे चार लड़कियां एक साथ रही हैं, काइंड ऑफ। पहले सोनिया, प्रियंका, फिर तू और मैं, जब तक हम यहाँ रहते थे, उसके बाद हम चले गए। सो तो ये है चेयर जो कि चेयर जो सबके घर में होती है और जिसपे कपड़े भरे रहते हैं। क्या करें अब वेल, इस टाइम पे ये चेयर पे कपड़े इसलिए क्योंकि मेरा घर देख सकते हो, घुमा दो एक बार कैमरामैन, बहुत खूबसूरत हो रखा है। यस, इस घर में काम चल रहा है तो ये बेचारी मेरी मम्मी ने जैसे जो समझ में आया मम्मी ने कर दिया। ये किसी का बैग है जो भी भाग जाएगी, जो भाग जाएगी है। मतलब ये तो बहुत वियर्ड हो गया, तू कैसे आ गई? कैसे आ गई क्या, जैसे आते हैं अजीब है, प्लेन लेकर आ गई। ये है वो बेड जिसपे एक बार मेरी और रितु की इतनी लड़ाई हुई थी कि मेरे को इतना गुस्सा आया, मेरे अंदर जान थी नहीं थी, फिर भी मैंने इसे खिसका दिया था। मैंने कहा ये बेड इधर से इधर नहीं हटेगा, ये बेड उधर ही जाएगा जहाँ पे रहता है। सो यह इस बेड में भी बहुत सारे कपड़े हैं मेरे और रितु के। ये सिर्फ मैं मेरे और रितु इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में मेरे और रितु के हैं। इधर ऑब्वियसली बात है, मैंने अपने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में बोला ये मेरे घर से नहीं जा सकता, ये मेरे घर का तो अभी बहुत सारी पड़ी है। अभी हमारे पास इसके बहुत स्टॉक है, अलग अलग वैरायटी तो हमने बांट दी है। exactly. क्योंकि अब घर में जगह नहीं है, हम इतने बंदे नहीं बचे तो हमने बांट दी। मेरे पापा को बहुत ऑब्सेशन है इसका, तो मेरे पापा खुद बनाते हैं, कहते हैं मैं ये नहीं फेंक सकता। हमने बोला इन्हें फेंक दो, पापा ने कहा नहीं। सो बेसिकली ये घर अभी चेंज होगा और इस घर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे भी कुछ पापा करने की सोच रहे हैं। एंड ये सब तोड़ दिया है। एंड ये है वो अलमारी जिसको मैं नहीं खोलने वाली। मानी क्या है आप? ठीक है, अब तो मैं आती हूँ हर बार, मैं थोड़ा ले जाती हूँ। एग्जैक्टली, तू आती है, तू अपना थोड़ा। स्टिल मेरे इसमें कपड़े हैं थोड़े बहुत, अब बस थोड़े बहुत ही हैं। पीछे बंद कर रहा हूँ। इसमें पता नहीं मेरे मम्मी पापा का क्या बचा हुआ है, फेंकने के लिए तैयार नहीं है। कितना बोलते हैं इसको फेंको यार, साफ नहीं है, कुछ नहीं दिखता इसमें। अरे तो फेंको ना यार, फेंकते क्यों नहीं हो? फेंकेंगे ही नहीं। देखो चार चूड़िया मम्मी की इसमें लगी रहती है, ये मम्मी की इसमें दवाइयां रहती है, फेंकते ही नहीं है, कचरा भरा पड़ा है इसमें। अभी तो इसमें धूल भी है क्योंकि घर में धूल हो रही है, पर ये मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा ऑब्सेशन है, इसमें कुछ दिखता नहीं है। अरे ऐसा भी नहीं है, ये मम्मी की शादी का है। वही तो वो हम इसे यूज नहीं करते, कुछ नहीं होता इसका। ये जो सामान है कोई नहीं आता इसमें से सामान निकालने भी, सबने अपनी चीजें अलग अलग रखी हुई है, बस ऐसे पड़ी हुई है इसमें, कोई कहाँ कोई यूज करते है। चाहते हैं ये हमारे घर से निकल जाए, लेकिन ना मम्मी इसे फेंकते है ना पापा इसे फेंकते है, और हम चाहते है कि ये निकल जाए। रूम टूर, हाय, ये रॉयल घर है, ये सच में रॉयल घर है। ये ऐसा घर है जिसको मेरे मम्मी पापा देखना नहीं चाहते और ना यहाँ से जाना चाहते, पता नहीं क्यों, उनको बहुत प्यार है इस घर से। देखना तो सही है यार। एक आ गई ग्राहक आ चुकी है। ये एक फनी बात बताती हूँ, हम इस घर में ना बड़े हुए हैं तो रितु हमेशा से बचपन से एक चीज बोलती है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे इतना बड़ा बनना है कि ये घर कभी बिके तो मुझे खरीदना है। तूने बड़ा आदमी बोला था उस टाइम पे, यही तो कह रही मैं, मुझे इतना बड़ा आदमी बनना है कि कभी ये घर अगर बिका तो उसको मैं खरीद लूं। वैसे जरूरत नहीं है इस घर के बिकने की, पर पता नहीं इसको बचपन से ये पता नहीं क्यों लाइन बोलती थी। सो ये हम बहुत ही ये खा चिप्स खा के यहाँ रख दी गई है। मेरे पापा को हर चीज कलेक्ट करने का बहुत शौक है, एंटीक पीस को कलेक्ट करने का। ये टीवी चलता नहीं है, हमारे घर का पहला कलर टीवी था ये, आई डोंट नो, ये टीवी चलता नहीं है और मेरी इस टीवी के साथ रितु के साथ बहुत लड़ाई हुई है।
वहां हाथ रख के बैठ जाते थे, नहीं बदलने देंगे। ऐसे लड़ाई हुई है ज्यादा लड़ाई हुई है इस टीवी के साथ मेरी और रितु की। बट ये पता नहीं मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं फेंकते इसको। मैंने बोला मैं फेंकते ही नहीं है कुछ भी। हमारे घर में एक और टीवी है हमारे घर में, ये टीवी से प्यार अलग ही है मेरे घर वालों को, ये फेंकते ही नहीं है इसको। फर्स्ट कलर टीवी है हमारे घर का, नए नए कलर टीवी चले थे तब आया था ये। बाकी की ये जो चीजें है खोल के नहीं दिखाऊंगी, अभी साफ है। मैंने बस इसमें सामान भरा है, साफ था। वो सामान दिखाओ, ये देखो सनफ्लावर, ये देखो चने, ये देखो माइक्रो, ये देखो माइक्रोनी, तो ये छोड़ दो, ये इम्पोर्टेंट। इसमें ना शूज का है, नहीं नहीं वो नहीं दिखाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, दूर रखो। इसमें शूज का है और मेरे पास मेरे वहां पे बहुत शूज हैं, अभी शूज दिखाती हूँ। मेरी माँ इतना गुस्सा करती है ना हम लोगों पे कभी कभी। ये देखो ये रितु के शूज, नए शूज है, एक ही बार पहने तो इसमें पटक दिए और वो ऐसे हो गए। और हालत देखो, एक ही बार पहने थे इसमें, ठीक है। माय स्लीपर, ये भी एक दो बार पहन के पटक दिया। हाँ मैंने ज्यादा नहीं पहनी, ज्यादा नहीं पहनी, उनकी हालत भी बता रही है। ये सच में नहीं है, दिस इज एक्चुअली न्यू, बट वाओ क्या खूबसूरत हो रखी है। चादरें सारी लव लव वाली चादरें सबके घर में मिल जाएंगी। हमारे घर में ये पुताई सुताई वाले काम में आती है, क्योंकि हमको पसंद नहीं है तो मम्मी ने इसको इस काम में लगा दिया। ओके ये वो सोफा है, के अंदर हमने बहुत कुछ निकाला है। ये सोफा ऐसे, इसके अंदर कुछ भी गिर जाता है, गिर जाता है पता नहीं चलता। हम यहाँ सो रहे होते हैं, हमारा रबर बैंड खो गया, फिर हम एक दिन ऐसे, फिर जब इस सोफे की सफाई होती है और ऐसे आता है, ओह ये रबर बैंड इसमें था, तो ये हमारे खोया पाया विभाग विभाग वाला सोफे है। मैं और मेरी मम्मी और रितु चाहते हैं इन्हें फेंक दिया जाए और नए सोफे आए। हाँ नए सोफे आए, लेकिन मेरे पिताजी को नहीं फेंकना है। मेरे पिताजी को बहुत प्यार है अपनी चीजों से, पता नहीं कौन सा प्यार है। घर में ये पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि मेरी बहन को बहुत शौक था ऐसी पेंटिंग्स बनाने का, और उसने बहुत सारी बनाई थी। बट अब तो एक दो बचे क्योंकि खराब हो गई तो उतार उतार के फेंक दी हुई। एक ये वाली है, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत पुरानी है, ये भी सोनू ने बनाई हुई थी सारी पेंटिंग्स। बट अब एक ही दो बची हुई, ये दो बची हुई सब गिर गई है बेचारी, ये भी टूट गई है, बहुत पुरानी है। यहाँ एक लगी हुई थी हट गई, इधर एक लगी हुई थी हट गई, उधर एक लगी हुई थी हट गई। ये मेरे घर का एक और स्टोर रूम, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स रखी हुई है जो सोनिया ने बनाई थी। शाउट आउट टू सोनिया आर्ट एंड क्राफ्ट। यू नो लोगों के पास फ्रीज होते हैं, उसमें स्टोरेज होती है, हमारे पास ये हमारा एक्चुअली क्या कहते हैं उसको, पेंट्री है। एक्चुअली पेंट्री नहीं है, जो जी करता है उठा लिया। मैंने काफी बार बोला मेरे पापा की शॉप है, शॉप वहां है, सामान यहाँ आ जाता है। बट ये हम पी ले लाइट ऑन। ये है एक एस्थेटिक किचन जिसमें मेरी मम्मी का 100 साल पुराना संदूक रखा हुआ है शादी का। घर में सारी चीजें इधर उधर रखी हैं, कोई भी कहीं भी फंसा दिया गया है। सो ये है, चलो बाहर चलो। ये है खूबसूरत घर मेरा, जो कि पता नहीं क्या करना चाहता है पापा। रेनोवेशन चल रहा है मेरे घर में, सो इसलिए मैं इस घर में आ नहीं रही हूँ अभी काफी दिन से, क्योंकि धूल 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 हो रही है। फिर तुम लोग इतना बोल रहे थे हाउस टूर हाउस टूर, मैंने कहा असली ओजी हाउस की टूर दूंगी मैं, उस घर को छोड़ो, ये है ओजी घर जहाँ पे हम बहुत गिरे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि पता नहीं लोगों को समझ में आएगा या नहीं आएगा, बट अभी अभी मेरी मम्मी ने खरीदे हुए रखे, नहीं तो हम खुद अपने हाथ से मिट्टी से बना के इनको लगाते हैं, और इनको बोलते हैं सांझी माँ, जो कि नवरात्रों में सब पूजा करते हैं। बट अभी नए तरीके से रखे हुए, नहीं तो ओजी तरह से बनती है हमारे घर में। मेरी दादी तो पता नहीं क्या क्या बनाती थी, टिकली मोर ढोल वाले। पर अभी सिर्फ यही है, तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, पूजा होती है वहाँ पे। अगर आप अपने घर में ये रख रहे हो तो ये होने भी उतने जरूरी है। अब इनका काम और उनका काम मैं भी इतने विस्तार से नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ज्यादा। 9 दिन होते हैं नवरात्रों के, तो ये हर दिन के अकॉर्डिंग पूरे 9 लगते हैं, तो ये गोबर के ही लगते हैं। तो मेरे घर में हर चीज ओजी रहती है एकदम, गोबर मिट्टी सब। अभी तो है नहीं वरना ये पूरी दीवार कवर होती। अब आ चुके हैं मैं मेरे घर की छत पे, और मेरे घर की छत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो मेरे पापा ने उठा के नहीं रखी है। ये पूरा एक जंक यार्ड मेरे पापा ने रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पापा को हर चीज उठा के रखने का शौक। मेरे पापा एक टिपिकल भारतीय पापा है, जिनको हर एक चीज में कुछ ना कुछ दिख जाता है। वो कहते ये भी काम का, ये भी काम का। मेरी माँ कहती फेंक दो, मेरे पापा कहते नहीं रखते काम आएगा। तो मेरे पापा ने अपना एक अलग ही एक्सपेरिमेंटल लैब रखी हुई है, जिसमें वो
कभी कभी कुछ ना कुछ करते रहता है। ये सिर्फ आधा हिस्सा है, ये सिर्फ आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा दूसरी तरफ रखा हुआ है हमारा थोड़ा सा प्लांट। सोचा इसको भी दिखा दे, इतना बड़ा एलोवेरा किसके घर होता है, हमारे घर है। ये मेरे घर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं सकती, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नीचे का बेसिकली जितना भी सामान बेड वगैरह में था वो सब सब ऊपर आ चुका है मेरे घर में। भाई सोने की दिक्कत नहीं होगी, इतने हम कभी सदस्य नहीं थे जितने यहाँ पे कंबल और गद्दे वद्दे रखे हुए हैं। ये बेचारी हमारी मेरे पापा का ऑब्सेशन खाट, एक और दो खाट काउंट करना, ये एक और तीन खाट, ये एक और चार खाट। ये रूम अभी बहुत कबाड़ा हो रखा है, एक्चुअली सारे घर में ही कबाड़ा हो रखा है, क्या बताऊं मैं। अभी दिखाती हूँ कुछ चीज। ट्रंक है, जिस ट्रंक में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मेरी मम्मी का सारा धरोहर इसमें है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ कंबल और गद्दे भर रखे हैं मेरी मम्मी पापा ने। अरे कौन टीवी हमारे पास एंटीक, वो बड़ा था ये छोटा भी बेचारा उधर को रखा। एंटीक टीवी मेरे पापा को इकट्ठा करने का बहुत शौक है, अभी दिखाती हूँ। ये देखो तार वार सब इकट्ठे करे हुए हैं, टिपिकल जो इंडियन फादर होते हैं। कुछ कुछ नहीं फेंकना। और ये बहुत ही एंटीक चीज है वैसे तो, पहले फ्रीज नहीं हुआ करते थे, तो ये एक एंटीक फ्रीज है जिसके अंदर पहले दूध रात में रखा जाता था, दही रखी जाती थी, घी रखा जाता था, और तुम्हारे पास अगर महंगी क्रॉकरी वगैरह है वो इसके अंदर रखी जाती थी ताकि बिल्ली कुत्ते खराब ना करते। तो ये भी बड़ा एंटीक है, अब तो बेचारे इसकी इज्जत ही नहीं है, पर एक जमाने पे इसकी भी बहुत इज्जत हुआ करती थी। हाँ ये वहां से आया हुआ है, ये मेरी दादी का है इसलिए ये भी नहीं फेंक सकते हम। ये मेरे घर से कुछ नहीं फेंक सकते, कुछ मेरे पापा को चाहिए, कोई मेरी मम्मी के शादी का है, कोई मेरी दादी को दिया हुआ गिफ्ट है, तो कुछ भी नहीं जा सकता इस घर में। सो दिस इज द रीजन कि इस घर में ना मैं कोई चेंजेस ला सकती हूँ, ना ऋतु कोई चेंजेस ला सकती है, क्योंकि हम कुछ हमें हक ही नहीं है कुछ भी फेंकने का। अगर हमने फेंक दिया बवाल हो जाएगा, तो इसलिए कहा हमने कहा तुम रहो अपने घर में, हम जाएंगे अपने घर में। चेंजेस कर दे तो मम्मी पापा उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, उनको यही चाहिए। हमें पसंद नहीं आ रहा, कैसे लग रही है, बीमार। हाँ बेचारी बीमार हो गई, तो यस इस घर में हम कोई बदलाव नहीं ला सकते, तो इसलिए हमने कहा हम अपने अपने घर बना लेंगे, आप रहो आपको जैसे, आप रहो अपने ओजी के साथ, हम अपना खरीद के खुद कर लेंगे। मैं अपने पापा को कुछ भी बोलूं कि पापा इसको फेंक देते, मेरे पापा को गुस्सा आ जाता है कि नहीं ये नहीं जाएगा, ये तुम्हें क्या पता, तुम आजकल के बच्चे हो, ऐसे ही बोलते हैं। हम कहते हैं पापा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, तुम आजकल के बच्चे हो, हमसे नहीं होगा, तुम आजकल के बच्चे हो, हम ऐसे ही रहेंगे। तो बेसिकली मेरे मम्मी पापा को ऐसे ही रहना है, तो ये घर में हम बदलाव नहीं कर सकते। देखो कपड़े, बचपन में ऐसा हुआ करता था कि इसमें हमारे सारे वो कपड़े होते थे जो नए नए हैं, मतलब पहले तो दो ही कपड़े घर में पहनो और दो ही कपड़े बाहर के हुआ करते थे। अब तो खैर चीजें बदल गई हैं, बट ये वो चीज है जिसमें हम नए नए कपड़े रखते थे पहले के टाइम पे, बट अब तो उसमें पता नहीं कौन सा कपड़ा है जो मैं कभी पहनूंगी भी नहीं, ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं। अब मैं चलती हूँ अपने इस ओजी रूम से बाहर। सो यही है मेरा बहुत ही बचपन की यादों वाला घर। मुझे जो नींद इस घर में आती है वो नींद उस घर में नहीं आती, सच बात है ये। तो यस मुझे बेड से ज्यादा इस खाट पे सोना पसंद है, That's true. And यही है मेरा घर, बहुत कुछ यादों से भरा हुआ, कबाड़ से भरा हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे मम्मी पापा का घर है, मेरे मम्मी पापा जैसे इसमें रहना चाहते हैं वैसे रह सकते हैं। घर के साथ बहुत सारी यादें हैं, अभी यहाँ पे भी होगा, पर पहले नीचे सब कुछ ठीक कर देते हैं, फिर इस रूम में चेंजेस होंगे। अभी मेरे पापा सोच रहे हैं इस घर में चेंजेस करने के, पता नहीं कैसे, पर अब ये घर बन रहा है। इस घर का ही टूर देना सबसे बेस्ट था, क्योंकि एक वो घर है जिसमें मैं पली बड़ी हूँ, ओजी है सब कुछ, एंटीक है हर एक चीज यहाँ पे, लाइक 1900 के जमाने की, उससे भी पुरानी है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।